चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से ही सिवनी मालवा में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। चुनाव को देखते हुए सभी जगह धारा 144 लागू है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की चौकसी है। मंगलवार दोपहर सिवनी मालवा थाने से क्विक रिस्पांस टीम के साथ सिवनी मालवा पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाल कर संदेश दिया कि उपद्रवी तत्वों पर हमारी नजर है और नागरिक अमन चैन से रहे। किसी भी तरह का उपद्रव और जिले के अमन चैन में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर असामाजिक तत्व से पुलिस सख्ती से निपटेगी। फ्लैग मार्च सिवनी मालवा थाने से शुरू हुआ, जो कि नए बस स्टैंड, पत्थर पुल, पुराना बस स्टैंड, जयस्तम चौक, गांधी चौक, जेल रोड, कल्लू चौक सहित अन्य मुख्य मार्गों से होता हुआ सिवनी मालवा थाने पहुँचा, जहाँ फ्लैग मार्च समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में सिवनी मालवा थाने SDOP कार्यालय का पुलिस बल QRT टीम के साथ ही SDOP आकांक्षा चतुर्वेदी, थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती मौजूद रहे। चुनाव के साथ ही त्योहारी सीजन होने के कारण पुलिस ने अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोगों को सुरक्षा का एहसास हो पाए। SDOP आकांक्षा चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव सहित आने वाले त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए QRT टीम के साथ मिलकर सिवनी मालवा पुलिस के द्वारा नगर के सभी मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही सिवनी मालवा नगर के बाद अलग अलग गांव में भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, ताकि नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराया जा सके।